यहाँ से निकले थे गैस, वहाँ से लेकर वहाँ तक इसके भी आगे छः गो पहाड़ पार करके, 7 पहाड़ पार करके उस बाजू में हम लोग मंदिर पहुँचे थे। वहाँ से आप लोग दिखा रहे हैं थोड़ा सा निर्माण करके, वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे। इसके बाद वहाँ से इधर मतलब इसके 7 पहाड़ आगे पार हुए थे तब जाके मंदिर पहुँचेगा, ठीक है। और अभी हम लोग पकड़े हैं शॉर्ट रोड में, इधर से हम लोग शॉर्ट रोड में आए, देखिए इधर पूरा खेती भी हुआ है और इधर इस तरह से हम भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी चेहरा बिगड़ा हुआ है तो आगे देखिए आप लोग अंत, ठीक है। तो हे गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग पर स्वागत करते हैं, सो गाइस ये मेरा सेकंड एपिसोड है इस ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि यहाँ के ऊपर एक ये मेरा सेकंड एपिसोड है। और देख सकते हैं गाइस इस सेकंड एपिसोड आप लोगों को क्या दिखाएंगे, क्राउड दिखाएंगे, ठीक है। पूरे कितना क्राउड है यहाँ पे, मतलब कैसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। कि ये तो मेरा फर्स्ट जर्नी है जो कि ऐसा जर्नी कर रहे हैं, जो कि इतना दूर से एंड ऐसा जाना, देख सकते हैं ऐसे ऐसे जाना यार, बहुत हालत ख़राब लगता है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग एक तो उधर से दो 400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं बाइक से, वो भी ठीक है 400 किलोमीटर ओनली बाइक से, आप सोच सकते हैं गाइस। और अभी जब मेला पहुँचे, मेला पहुँच करके जस्ट अभी इधर हम लोग फिर से पैदल, जो कि 7 पहाड़ को पार करना पड़ा और मंदिर तक पहुंचने के लिए चार पहाड़ को पार करना पड़ा तब जाके मंदिर तक पहुंच पाए। हम सोचे कि मंदिर में कोई खास चीज़ें दिखाने के लायक है, लेकिन कोई ऐसा कुछ दिखाने के लायक है नहीं गैस, कि यहाँ पे डोगू गुरु घंटा बाड़ी में कुछ ऐसा दिखाने के लायक है नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सारा आते हैं जो कि अपना ख्वाहिश अपनी कामना को पूरी करने के लिए, ठीक है। और बस यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस इतना यहाँ पे क्राउड है कि पूछो ही मत, इतना क्राउड है गैस, ठीक है। क्राउड का तो नाम ही मत लो यहाँ पे, इतना क्राउड है पूछे ही नहीं। और गैस हम लोग पैदल से, जैसे कि आप लोग पहले ही बोल रहे थे, अरे यार क्या है सर, इतना प्रॉब्लम हो रहा ना, पता ही नहीं। और गाइस प्लीज आप लोग केवल और केवल भीड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, भीड़ के अलावा कुछ नहीं। ऐसे तो हम लोग 16 किलोमीटर पैदल आए हुए हैं, ठीक है, जो कि 7 पहाड़ को पार करके इस मंदिर को पहुँचे हैं, लुगु भुरु घंटे बाड़ी, जो कि 7 पहाड़ और 16 किलोमीटर। अभी रिटर्न जाएंगे फिर से, यानी 16+16 32 किलोमीटर रिटर्न जा रहे हैं। और इसमें हम लोग को बस आप लोगों को दिखाने के लिए यार, कुछ नहीं, ठीक है गाइस। मतलब कितना क्राउड होता है, कितना भीड़ होता है, बस वहीं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ही आ गए। तो यही सेकंड एपिसोड में यही था मेरा, अगर हो सके तो इसी का थर्ड एपिसोड आ सकता है गाइस, ठीक है। और नहीं तो नहीं आ सकते, इसी का यहीं तक ये ब्लॉग रहेगा गाइस। और भीड़ है यहाँ का ब्लॉग, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे अपने पूजा करने के लिए आते हैं, मन्नत पूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि यार पहाड़ एरिया है पूरे के पूरे, ठीक है। हेलो, मतलब देखा जाए तो पूरे के पूरे पहाड़ ही आदमी है, सब हर कास्ट के आदमी है, दिक्कू है और जो हर ट्रेवल के यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा, अपनी ख्वाहिश को पूरी करके, ठीक है। ये जब ये ब्लॉग आज फोन से बन रहा है तो यार इतना खराब लग रहा है ना, मतलब पूरा हाथ दर्द कर रहा है। और ऐसे तो हम लोग बाइक से आए हुए हैं और एक तो हम लोग पैदल भी आए हुए हैं, ठीक है, पैदल आए हुए सुबह, जो कि पूरे रात को हम लोग पैदल आए हैं। आप लोगों को अगर बता दें जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे गाइस, यहाँ से हम लोग एंटर किए थे, यहाँ से हम लोग मेला पहुँच के इस मंदिर को जब उतरे, मंदिर में उतरे हम, तो मंदिर से जस्ट हम लोग 12 बजे हम लोग शुरू किए, ठीक है, पैदल। और 12 बजे शुरू किए, इसके बाद हम लोग सुबह यहाँ पे पहुँच गए, सुबह हम लोग पहुँच गए 6 बजे। गाइस समझ सकते हैं बहुत ही लंबा रास्ता है गाइस, अगर कभी आप आना चाहेंगे तो ना, अगर कभी आप आते हैं तो सोच समझ के आइए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता इतना ख़राब है कि मत सोचो।
मतलब पूरे के पूरे पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इसलिए कहते हैं गाइस आप लोग थोड़ा सोच समझ के आइए यहाँ पे, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग कह हुआ है, जैसे कि चप्पल को टूट गया है, ठीक है। यहाँ पे हाल बहुत हाल होगा गाइस, अभी 5 घंटा लगेगा अभी, और अभी हम लोग रिटर्न जाने में 5 घंटा लग जाएगा गाइस, ठीक है। रिटर्न जाने में समझ सकते हैं, और आने में हमको लग गया 6 घंटा। 6 घंटा तो हम लोग रेस्ट करके आए हुए हैं, ठीक है, और वो भी बहुत स्पीड आए हुए थे। अभी तो हम लोग थोड़ा दिन में है, तो अभी तो हम थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, और रात को तो टाइम नहीं लग रहा था कि मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो मतलब बहुत थकावट सा लग रहा है। अभी हम लोग फिर से, हम लोग 6 घंटा लग जाएगा रिटर्न जाने में, समझ सकते हैं। और बस आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं मेहनत, तो थोड़ा सा लाइक करना तो बनता है यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। और बहुत ही जल्द इसी आज ही को या फिर कल को 3rd एपिसोड आएगा। और आज की इस ब्लॉग में इतना ही करते हैं, क्योंकि यार पूरे के पहाड़ एरिया हैं, आप लोग पता है झारखंड एक झरनों का शहर है एंड पहाड़ों का क्षेत्र है, तो इसी तरीके से है पहाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, आदिवासी के क्षेत्र है इसी तरीके से। सो हम लोग नीचे ही जाएंगे। तो आज के ये 2nd एपिसोड कैसे लगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।